हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है संडे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अध्यात्म का विषय। हर संडे को मैं आपके लिए अध्यात्म का विषय लेके आता हूँ। आज अपन बात करेंगे कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और शिवलिंग के कितने हिस्से होते हैं, इनके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे शिवलिंग के कितने हिस्से होते हैं। यह शिवलिंग है आपके सामने। शिवलिंग के तीन हिस्से होते हैं मुख्य रूप से। यह जो नीचे वाला इस हिस्सा है ना, जो जमीन में गड़ा रहता है, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है इसको। फिर यह जो बीच का जो शिवलिंग का जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये विष्णु जी का प्रतीक माना गया है। और ये ऊपर जो आप ये अंडाकार का जो देखते हो, ये भगवान शिव जी का हिस्सा माना गया है। मतलब कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि शिवलिंग के तीन हिस्से माने गए हैं, तीनों को जो षष्ठी का पालन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब इस शिवलिंग में तीनों का रूप आ गया है। अगर आप शिवलिंग की आराधना करते हैं तो आप तीनों त्रिदेव की आराधना करते हैं, इसलिए शिवलिंग के ये तीन प्रतीक, तीन हिस्से माने गए हैं पुराणों। अब अपन जानेंगे कि शिवलिंग के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं। आइए देखते हैं। वैसे कहते हैं कि शिवलिंग के दो प्रकार माने गए हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग। आकाशीय या उल्का शिवलिंग उनको कहते हैं जो मतलब आकाश से निर्मित हुए हैं, उल्का पिंड से निर्मित हुए हैं। वो अपने भारत में 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको कहा जाता है कि वो आकाश या उल्का पिंड से निर्मित हुए हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ये कहा जाता है। सेकंड कहते हैं दूसरा पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग जो पारे से निर्मित होते हैं या इन्हें मानव द्वारा निर्मित भी कहते हैं। दो प्रकार के शिवलिंग माने गए हैं, लेकिन पुराणों में 6 प्रकार और बताए हैं। अभी 6 प्रकार कौन कौन से हैं ये मैं बताता हूँ। नंबर 1 देवलिंग। देवलिंग वो होते हैं जो देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कि पुराणों में आपने देखा, जब रामायण काल, महाभारत काल में देखे हो तो भगवान राम ने भी शिवलिंग की स्थापना की थी, श्री कृष्ण भगवान भी शिवलिंग के खूब पूजा की थी। तो जो देवलिंग, जो देवताओं के द्वारा जो स्थापित किए गए शिवलिंग, उनको देवलिंग कहा जाता है। सेकंड असुरलिंग। असुरलिंग जो पुराने जमाने में आपने देखा कि असुरों के तो वैसे ही आराध्य देव शिव जी रहे हुए हैं, तो असुरों ने भी शिव जी की खूब स्थापना की और उनके द्वारा भी खुद कहते हैं कि स्वयं रावण ने भी एक शिवलिंग की स्थापना की थी। थर्ड है अर्थ शिवलिंग। अर्थ शिवलिंग उसे कहते हैं जो अगस्त्य जैसे संतों द्वारा स्थापित किए गए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत हुए हैं उनके द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, उनको अर्थ शिवलिंग कहते हैं। फोर्थ पुराण लिंग। पुराण लिंग उनको कहते हैं जो पौराणिक काल में जो मनुष्यों के द्वारा शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, उनको पुराण लिंग कहते हैं। मनुष्यलिंग। मनुष्यलिंग यानी जो मनुष्य के द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग, उनको मनुष्यलिंग कहा जाता है। और सिक्स में है स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग यानी स्वयं के द्वारा प्रकट होते हैं। अब स्वयं के द्वारा कैसे प्रकट होते हैं, कि स्वयं के द्वारा, जब आपने देखा होगा अमरनाथ के बारे में आपने सुना होगा, अमरनाथ जो गुफा है वहाँ पे जो बर्फ से शिवलिंग बनते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बनते हैं और वापस थोड़े टाइम बाद वो अदृश्य हो जाते हैं, उनको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और ऐसा ही आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं में भी शिवलिंग पाए गए हैं, जो मतलब स्वयं के द्वारा प्रकट होते हैं, उनको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही अध्यात्म के रिलेटेड विषय मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।